आप गौर करो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने छुपता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, छुपते हैं ना, तो तवाज़ुन कुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह कर हूं, जिसको चाहे तब पे बिठा सकता हूं, जिसको चाहे तब पे आना लेना सकता हूं। भाइयों बहनों, मैंने सुना यहां अनाप शनाप बोलने की फैशन करने वाले कुछ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि आंध्र हो या तेलंगाना, किसी को भी राज करना है तो हमारे कदमों में बैठना पड़ता है, हमारे पैरों के नीचे बैठना पड़ता है। वाईएसआर रेड्डी को बैठना पड़ता था, चंद्रबाबू को बैठना पड़ता था, किरण रेड्डी को बैठना पड़ता था, कांग्रेस वालों को बैठना पड़ता था और ये टीआरएस वालों को भी बैठना पड़ता है। मैं आज तेलंगाना को कहना चाहता हूं, अरे जिस स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़े थे आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कभी किसी के चरणों में बैठने के लिए राजी नहीं होगा, वो बैठेगा तो तेलंगाना की जनता जनार्दन के चरणों में बैठेगा।